कोटा शहर में बिगड़ी पेयजल आपूर्ति को लेकर भाजपा विधायक संदीप शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्थानीय पार्षदों के साथ जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता का घेराव करके हंगामा कर दिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। शर्मा ने कहा कि चंबल किनारे बसे होने के बावजूद भी मैं पुराने कोटा शहर की 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में कम दबाव से पानी मिल रहा है और पुरानी पाइपलाइनों के कारण आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। लोगों को पीने के पानी के लिए कैंप पर मंगाने पड़ रहे हैं। अधिकारियों को चेतावनी दी कि वह अपने दफ्तरों से बाहर निकलकर लोगों की सुध लें।